दुनिया जो है कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और ये चिंता काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हर जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारी चिंताएं बढ़ जा रही हैं। बस आप एक काम करिए कि आप बाहर जितना कम से कम निकलें, अर्थात जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उससे मना करें और घर पर ही अपनी अध्ययन करें। आप ढेर सारी किताबें पढ़ें, YouTube पर तमाम तरह के जो है हमारे यहाँ सब्सक्राइबर हैं जो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो हमारे पास जो है, एक जो है हमारे जो है शिव खेड़ा जी हैं, आप YouTube पर इनकी वीडियो अवेलेबल है, मैं इनका लिंक मैं अपने दे दूंगा, आप इनको पढ़िए और इनकी विचार जो है ना बहुत ही बेहतर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बैठे हैं तो इनके विचारों को पढ़ें, हो सकता है कि इनसे बहुत कुछ सीख जाए। जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। अभी हम लोग परिपक्व नहीं हुए हैं और हम इस समय जितनी भी आप लोग बार बार YouTube पर देखते होंगे, मैं चाहूँगा कि आप इनको देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इन्हें सीखेंगे। स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आपके एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और क्योंकि एग्जाम के जितनी भी कठिन चीज़ें हैं उसको डीपली पढ़ जाइए, डिस्कशन कीजिए, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप है, आप उससे डिस्कशन सवाल कर सकते हैं, सवालों का आदान प्रदान करते रहिए, जो भी किसी को कंफ्यूजन की हेल्प करिए, घर परिवार के सदस्य की हेल्प करने का प्रयास करिए। ये एक अच्छी बुक्स है, टाइम एंड मतलब जो है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है, तो ये बुक है मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है समय का ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ों में मतलब बिजी हैं जो इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है। बस जागरूक रहिए, हर चीज़ों को ध्यान देते रहिए और अध्ययन करते रहिए, जितनी गंभीरता पूर्वक किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे बेहतर है। हमारे भारत में बहुत सारे महान व्यक्ति हैं और विश्व में भी बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिनकी जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है, और मैं चाहूँगा कि उनकी जीवनी से भी आप सीखने का प्रयास करें। हम तो भारत के नोबेल पुरस्कार जो विजेता है इस बुक को ज़्यादा रेफर करते हैं, यूट्यूब से संबंधित यूट्यूब पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप जितनी महान व्यक्तियों की से प्रेरणा लेंगे ना, उतनी अंदर आपके अंदर जो है सीखने की प्रवृत्ति बेहतर हो जाएगी, बोलने की प्रवृत्ति आपकी सुधर जाएगी, ये बेस्ट तरीका हो सकता है। बहुत सारे मित्र जो है ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी पेंटिंग के माध्यम से आप जितनी भी आपके दोस्त हैं, जितने भी मित्रगण हैं उनको, या जितने ग्रुप में आपके लोग हैं, तो उनको अपनी पेंटिंगों से प्रभावित कीजिए और अपने पेंटिंगों से उन्हें प्रेरणा देने का प्रयास करिए, क्योंकि एक चित्रकार का कहीं ना कहीं उसका महत्व है, अपनी कलाओं से भी उसको प्रेरित कर सकता है। जो भी मतलब जो भी व्यक्ति जिनको किसी चीज़ की जरूरत है उनकी हेल्प करने का प्रयास करिए, गरीबों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सेवा करने में ही सुखी है, सबसे बड़ी सेवा जो है दूसरों की सेवा में ही है, तो एक बात का ध्यान दीजिए कि आप दूसरों की सेवा से पीछा मत छुड़ाइए। बहुत सारे स्केच मैंने बनाया हुआ है और अब मैं खाली हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्केच बनाएं, मैं भी अपने माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग भी स्केच बनाएं, मेरे पास इतने सारे शीट्स हैं, उतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी प्रयास है, आप लोग से अच्छा नहीं करा पाते हैं, तो ये प्रयास है कि आप लोग भी स्केच बनाएं, घर पेरेंट्स में जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनकी पोर्ट्रेट बनाइए और हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है? मैं व्हाट्सएप लिंक जरूर शेयर कर दूंगा, बताऊंगा कि यदि कोई चीज़ मुझे लगेगा कि आपको बताने योग्य है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाइए, अभी जो भी आप लोग अभी बीएफए एंट्रेंस की जो एक तैयारी कर रहे हैं उनको भी निर्देश देना चाहूँगा कि जो भी थ्योरी में जो भी प्रश्न का मेन कंफ्यूजन है ना उसे हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ कर भी आप कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कर सकते हैं, हम नीचे एक नंबर दे रहे हैं उससे भी आप हमसे बात करके अपने सोल्यूशन ले सकते हैं। मेरे तरफ से जो भी आपकी हेल्प हो जाए मैं आपके हेल्प करने का प्रयास करूंगा, और बहुत सारे यदि प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर भी मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार यूट्यूब पर वीडियो देखिए, अपने कंफ्यूजन को दूर करिए, जितना ज़्यादा आप इधर उधर ध्यान देंगे उससे दिक्कत होगा। सिर्फ एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए,
बाकी लोग का भी ध्यान देते हैं, लेकिन आपका मेन टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। बस इतना ही, आप सतर्क रहिए, बाहर जाने से बचिए, लोगों से अवेयर रहिए, लोगों की गैपिंग बनाए रखिए, हमेशा दस्ताने लगाए रखिए और हाथ हमेशा धोते रहिए। बस इतनी सी निर्देश देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ जो है ना, पूरा समय जो है इस, क्योंकि जिस तरह से हमारी वायरस की इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है सतर्क होने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। प्लीज़ बचिए और दूसरों को बचाइए।